आप देख सकते हैं ये वो जो गुफा है और काफी अंदर तक इसका रास्ता जाता है। कृष्ण जी सीमा के अंदर थे, इनने देख लिए जट कृष्ण जी पर चपट्टा मारा जो जट में पत्थर बन गए। मैया अपने लाला को बलराम को सब सखान को संग में लेके नित्य प्रातः स्नान करने के लिए इस सरोवर में आती थी। ये आप देख सकते हैं। जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज आपको जहां लेकर आया है वो है भगवान कृष्ण का गांव, जिसे हम नंदगांव के नाम से जानते हैं। आप सभी जानते होंगे कि नंदगांव भगवान कृष्ण की बाल क्रीड़ा स्थली है। यहां पर यहां के पग पग में, यहां के कण कण में, यहां की रज रज में ठाकुर जी ने यहां पर लीलाएँ की हैं। उन्हीं लीलाओं के अनुरूप आज ब्रज दर्पण आपको ऐसी दिव्य दर्शन कराने जा रहा है, ऐसी दिव्य स्थलियों के दर्शन कराने जा रहा है। आप जब इसको दर्शन करेंगे तो अपने आप को आप धन्य महसूस करेंगे। इस समय मैं ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं ये समस्त कदम के वृक्ष हैं। कदम को ना तो भगवान कृष्ण से बहुत पुराना हुए और आज हम और आप भगवान कृष्ण से जुड़ी लीलाओं के स्थानों के आज हम दर्शन करेंगे ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। आप सभी से निवेदन है आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में दो तीन दर्शन हैं। तो यानी कि आप स्किप ना करके इसको आहिस्ता आहिस्ता पूरी वीडियो को देखेंगे तो भगवान कृष्ण की तीन लीलाओं के दर्शन आज के इस वीडियो में होने वाले हैं। आइए चलते हैं और फिर यात्रा को शुरू करते हैं इस नंदगांव से, जहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण की गोचरण लीला है, क्रीड़ा स्थली है, और उन्हीं के दर्शन के लिए हमारा आपको लेके चल रहे हैं। आप देख सकते हैं इन कदम की लता पताओं से निकल के मैं सीधा आ पहुंचा हूं यशोदा कुंड। जी हां, ये आप देख सकते हैं यशोदा कुंड। मैया को कुंड है और मैया अपने लाला को बलराम को सब सखान को संग में लेके नित्य प्रातः स्नान करने के लिए इस सरोवर में आती थी और इस सरोवर का नाम पड़ा है यशोदा कुंड। जैसा कि हम और आप सब जानते हैं कि ब्रजमंडल के अनेकों अनेक सरोवर हैं, लेकिन उनमें से विशेष सरोवर ये यशोदा कुंड है, जहाँ पर कि मान्यता ऐसी है कि आज भी नित्य ठाकुर जी यशोदा मैया और बाल सखा सब यहाँ स्नान करने के लिए प्रातः भोर समय में यहाँ पर आते हैं। मंदिर है, आपको दर्शन कराता हूँ मैं। आई ये यशोदा कुंड अपने आप में एक अद्भुत स्थान है। आइए सामने जो दर्शन आप करेंगे, जिस स्वरूप का मैं आपको बता रहा था उसी स्वरूप के दर्शन आप सामने देख रहे हैं। जय हो बाबा राधे श्याम। ये आप यशोदा मैया के आप दर्शन कर रहे हैं और उनके बगल में हमारा लाला यानी कि ब्रज के प्राण ठाकुर जी उनके साथ में हैं। हाथ पकड़ के यहाँ पर मैया के साथ में आए लाला, क्योंकि मैया ज़्यादा दूर ना जा मंदिर भाई, तो बात्सल्य भाव में प्रत्येक दिन और आज भी नित्य दिन यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं, ऐसी यहाँ पर भावना है। और आप देख सकते हैं ये दर्शन आपने किए यशोदा महल के, यशोदा महल मंदिर के, और ये शिवालय भी है। हमारे महादेव तो हमारे ठाकुर जी के संग संग ही रह में, और ब्रज के समस्त स्थानों पर जब आप देखेंगे इस तरह के दर्शन यहाँ पर होंगे। तो देश विदेश से लोग यशोदा महल जरूर आते हैं, यशोदा कुंड जरूर आते हैं, क्योंकि यशोदा कुंड अपने आप में एक ऐतिहासिक पौराणिक स्थान है। और ये देखिए आप, अब हम पहली जो लीला स्थली के हमने जो दर्शन किए यशोदा कुंड के दर्शन किए, इसकी महत्वता के बारे में देखो। आप जब भी कभी आएंगे तो यहाँ पर इसकी क्या लीला है उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए, ये हमारे यशोदा कुंड की महिमा है। जिस भाव की मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि यशोदा मैया आज भी लाला को लेके नित्य यहाँ पे स्नान के लिए आती हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से भक्तों का भाव है जो आचमन कर रहे हैं। ये अपने आप में एक ज़बरदस्त सरोवर है और इसका आचमन हम भी करेंगे और आप भी मानसिक रूप से इसका आचमन कर सकते हैं। ये अद्भुत सरोवर, और इनके दर्शन के बाद हमने आपने पहली लीला स्थली के दर्शन कर लिए, अब आपको लेके चलें
उसी समय के दिव्य संत जो गुफाओं में अपना भजन करते थे। आइए चलते हैं, आपको उस रास्ते पर लेके चलते हैं। यहाँ पर भगवत प्राप्त संतों की गुप्त गुफाएं हैं, आप तैयार हो जाइए। और हम और आप जो दर्शन करने जा रहे हैं वो यशोदा कुंड के बाद आपके उस भगवत प्राप्त संतों की गुफाओं के दर्शन कराने हम आपको जा रहे हैं। स्किप नहीं करनी है वीडियो, वीडियो पूरा देखना है। इस दर्शन के बाद फिर अगला दर्शन है, वो अपने आप में अद्भुत दर्शन है, उसके भी हम दर्शन कराएंगे। आइए चलते हैं यशोदा कुंड के बाद सीधा गुप्त गुफाओं की तरफ, जो कि यशोदा कुंड के पास में ही है। वैसे नंदगांव के कणकण में अपने आप में भगवत कृपा की एक झलक है, उसको हम दर्शन करते हैं। और मैं बिल्कुल उसी स्थान पर आ चुका हूँ जो कि ये सिद्ध गुफा के नाम से जाना जाता है। मेरे पीछे आप ये जो आश्रम देख रहे हैं, इसके अंदर अपने आप में काफ़ी प्राचीन दिव्य भगवत प्राप्त संतों की यहाँ पर गुफाएं हैं। आइए चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं उन संतों के, उनकी महिमा के बारे में। ये देखिए आप, ब्रज की प्रेमोपासना के रस सिद्ध संत परम पूज्य श्री 1008 श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, यानी कि ये स्थान संतों की भूमि रही है। और संतों की भूमि जब मैं यहाँ पर कहता हूँ, उसका कारण एक है, क्योंकि नंदगांव में भगवान कृष्ण का अपने आप में यहाँ स्थान रहा है। और ये देखिए आप, ये आश्रम अपने आप में अद्भुत आश्रम है। और यहाँ पर जो संतों की गुफाएं हैं उनके हम आपको दर्शन कराएंगे। आइए, तो हमारे साथ में प्रभु जी हैं, थोड़ा इनसे चर्चा करें। प्रभु जी आप यहीं रहते हैं, नंदगांव के ही हैं महाराज जी? राधे राधे। तो सिद्ध यहाँ पर गुफाएं हैं, सिद्ध गुफाएं यहाँ पर महाराज जी बालकृष्ण दास जी महाराज ने यहाँ पर तपस्या की थी, उनको भगवान का साक्षात्कार भी हुआ यहाँ पर। अच्छा। उनको साक्षात्कार और उनको दर्शन, राधा कृष्ण दर्शन हुए यहीं महाराज जी के पास में, बालकृष्ण दास जी। मैंने आपको पहले ही बोला था ना, भगवत प्राप्त संतों के यहाँ पर दर्शन है और उनकी उन गुफाओं के भी हम आपको दर्शन कराएंगे। बाबा हमारे जो हैं वो नंदगांव के वासी हैं, तो बड़ी अद्भुत जगह है बाबा। बाबा ये अद्भुत जगह ही है, ये तो ब्रजभूमि सारी अद्भुत है। अद्भुत, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए चलते हैं हम आपको उस, ये महाराज जी का मंदिर अभी है। अच्छा अच्छा, पहले हम उस गुफाओं के दर्शन कराना चाहते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये आप पढ़िए इसको, पढ़ने के बाद हम आपको वो दिव्य दर्शन कराएंगे। आइए, ये देखिए, एक भगवत प्राप्त संत की भजन स्थली के हम दर्शन करने जा रहे हैं, वो भी नंदगांव जैसे दिव्य धाम में। आइए, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये आप इस गुफा का जो आप साइज देख सकते हैं, यहाँ पर ठीक से आदमी सैंड भी नहीं कर सकता, यानी सो भी नहीं सकता है। मेरे ख्याल से 2x2 या 2.5x2 की ये रेंज समझ लीजिए, इतनी रेंज में बना हुआ है। और जिन संत की मैं आपसे चर्चा कर रहा था, उनका यहाँ चित्रपट लगा हुआ है, जिन्होंने ठाकुर जी का साक्षात्कार किया है, यहाँ के ब्रजवासी बोलते हैं। तो उस साधना को हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, रोशनी के लिए, ये रोशनी के लिए छोटा सा यहाँ पर, ये प्रकाश के लिए यहाँ पर बनाया हुआ है। और बाबा इस दिव्य गुफा में अपने ठाकुर जी की आराधना करते थे। ये जब मैं यहाँ बैठा हूँ, वो अनुभव जो मुझे हो रहा है वो अपने आप में अद्भुत है। किस तरह से इस नंदगांव के धाम में भगवान कृष्ण की आराधना की इस केंद्र में, इस गुफा में हम जब दर्शन करते हैं तो वो अपने आप में अद्भुत होता है। तो ये महाराज जी का आप देख सकते हैं, ये भजन स्थली के दर्शन किए। इसके अलावा और दूसरी गुफाएं हैं, उसके भी मैं आपको दर्शन कराना चाहता हूँ। तो आइए चलते हैं श्री राधा, ये अद्भुत अद्भुत संतों की इन गुफाओं के दर्शन हम, और ये सिद्ध गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है पूरे नंदगांव में, ऐसा नहीं है। आइए आइए, आपको और इस दिव्य स्थान के हम आपको दर्शन कराते हैं, किस तरह से इस स्थान को इतनी सुंदरता के साथ में यहाँ पर बनाया गया है, आप देख सकते हैं। ये संतों की भूमि है बाबा। राधे कृष्णा, राधे। आइए,
ये अमरूद का वृक्ष देख लीजिए आप। और जिस गुफा के बारे में मैं आपको बता रहा था, जो सिद्ध स्थली है, जो दूसरी सिद्ध स्थली है, आप देख सकते हैं ये वो जो गुफा है और काफ़ी अंदर तक इसका रास्ता जाता है, ये देखिए। ये गुफा, ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये दूसरी गुफा है उन संतों की, जहाँ पर कि आप दर्शन कर रहे हैं। इसको भी बंद किया हुआ है क्योंकि इसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो हम इसके अंदर नहीं जाके आपको उस स्थान की महिमा के बारे में बता सकते हैं। ये दूसरी ऐसी सिद्ध गुफा है जहाँ पर ये संत भगवान अपना भजन करते थे, और हम परिक्रमा मार्ग में हैं और आपको उन संतों की प्रतिमा के भी दर्शन कराएंगे। जैसा कि बालकृष्ण दास बाबा ने भगवान कृष्ण का यहाँ साक्षात्कार किया है, आइए उनका दर्शन आपको कराते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे ये दिव्य संत ब्रज के, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर उनके साथ आनंद लिया है, उनका साक्षात्कार किया है श्री बालकृष्ण दास जी बाबा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये श्री श्री 1008 श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, उनकी प्रतिमा को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है ताकि भक्त लोगों को दर्शन मिल सकें इन भगवत प्राप्त संतों के, जिन्होंने तप करके इस दिव्य धाम नंदगांव धाम में भगवान कृष्ण का साक्षात्कार किया। क्योंकि ये भूमि अपने आप में अद्भुत भूमि है, और इस भूमि पर अपने कन्हैया के दर्शन इन्होंने किए, ये अपने आप में अनमोल है। तो ये हमारे संत हैं, जैसे कि मैंने उनका आपको दर्शन कराया यहाँ पर। जब अब भी आप कभी आएंगे तो आपको इस तरह के यहाँ पर ये दर्शन मिलेंगे। इसके अलावा अब हम मंदिर प्रांगण के बाहर आ चुके हैं, तो इन सिद्ध संतों के दर्शन करने के बाद अब हम वीडियो के अगले पड़ाव में आपको लेके चल रहे हैं, और वहाँ पर है एक ज़बरदस्त दर्शन जिसे हम जानते हैं हाउ बिलाव के नाम से। कौन है हाउ बिलाव, आइए चलते हैं। सिद्ध गुफाओं के दर्शन करने के बाद अब हम भगवान कृष्ण की उस लीला में प्रवेश करते हैं जो कि बासल्य से भरी हुई है। कैसे संसार 3 लोक 14 भवन को चलाने वाले ठाकुर जी को मैया ये कहकर डराती थी, लाला चुपचाप है जा, नहीं तो हाउ आ जाएगा, नहीं तो हाउ बिलाव आ जाएंगे। तो ये आप सोच सकते हैं कि वो परंपरा आज भी हमारी सनातन संस्कृति और भारत की भूमि पर है। जब भी बच्चा कभी ज़्यादा उदम करे तो मैया कैसे कहे तू चुपचाप है जा, नहीं तो हुआ आ जाएगा, ऐसी यशोदा मैया डरावे लाला को। वो हाउ बिलाव के अब हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जंगल में, आइए चलते हैं। वो हाउ बिलाव कंस के भेजे हुए वो राक्षस, यहाँ पर भगवान कृष्ण को परेशान करने के लिए यहाँ पर उनको भेजा गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि नंदीश्वर जो पर्वत है, नंदीश्वर पर्वत का ऐसा वरदान है यहाँ पर कोई भी राक्षसी तत्व नहीं आ सकता। इसीलिए तो भगवान गोकुल से नंदगांव आए थे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी राक्षस नहीं आ सकता ताकि लाला सुरक्षित रहे। तो ये दोनों पाषाण के पत्थर के बन गए, ये हाउ बिलाव नाम के राक्षस जो कि कंस के द्वारा भेजे गए थे। और आइए चलते हैं। अरे वाह, यहाँ पर बाल गोपाल हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम उसी स्थान पर आ चुके हैं जैसे हम हाउ बिलाव के नाम से जानते हैं। ये दोनों राक्षस जो कि पत्थर के रूप में यहाँ पर हैं, और ये कृष्ण बलराम हमारे साथ में यहाँ पर हैं, और इन्हीं से ही जानेंगे। आप नंदगांव के रहने वाले? हाँ, नंदगांव के। क्या नाम है आपका? हरदेव। और आपका क्या नाम है? दाम यारी। तो हमारे साथ में ये छोटे छोटे बाल स्वरूप हमारे कृष्ण बलराम ही हैं, और इन्हीं से जानेंगे हाउ बिलाव के बारे में। भैया ये का चीज है हाउ बिलाव? हाउ बिलाव मैया लाला को डराती थी, लाला दूर खेलन मत जावे, आज वन में हुआ है। लाला कहता था मैया मैंने यमुना तक गा चराई में महुना दे के हाउ। एक दिन इन्होंने कृष्ण भगवान पकड़ लिए थे, कृष्ण भगवान के लिए हमारे बलराम भाई भगे भगे आए, एक थप्पड़ मारा, पांच उंगली छपी है, सांडल ऋषि का श्राप है, जो भी भेजा कंस का राक्षस आ गया, इसी में हम गुश्ती पत्थर का हो जाएगा। चार थे ये, दो ने अंग्रेज लेके चोर के। अच्छा, ये चार थे, अब दो रहे। आप आइए, पहले मैं आपको इसके दर्शन कराना चाहता हूँ। ये देखिए, ऐसे पत्थर के स्वरूप में आप देख सकते हैं ये इस तरह के ये राक्षस यहाँ पर बने थे, और ये वो ही पाषाण का पत्थर बताया जाता है, जैसे कि आप ये देखिए, ये पांच उंगलियों के निशान हैं इस पे। और ये निशान कैसे बेटा? बलराम जी ने थापड़ मारा था जब कृष्ण जी पकड़ लिए थे, कृष्ण जी ने बलराम भाई भाग भाग एक थापड़ मार, पांच उंगली छपी है, अब भी देख लो।
अच्छा बलराम भैया ने इस पे जो पंजा मारा है तो उसके उंगलियों के निशान है इसके ऊपर। और एक दर्शन ये भी है, इधर इधर से आइए, इधर से आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। और कहा जाता है कि ये चार स्वरूप थे, दो स्वरूप को एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था जो कि पता नहीं कहाँ पर कहाँ नहीं है, लेकिन ये दो यहाँ पर हैं। और ये वही पत्थर हैं जो भगवान कृष्ण को परेशान करने के लिए कंस ने भेजे थे। आज ये पाषाण के रूप में यहाँ ऐसे नंदेश्वर पर्वत के नंदगांव धाम में यहाँ पर हैं। ये जो पत्थर के बने हैं, ये इसकी क्या लीला, ये पत्थर के क्यों बने? सांडल ऋषि ने श्राप दिया था जो भी कंस का राक्षस आएगा सीमा में वो पत्थर का बन जाएगा। सांडल ऋषि का श्राप था ये, तभी ये बने। हाँ, तब जमीन थे कृष्ण जी सीमा के अंदर थे, इनने देख लिए जटवी कृष्ण जी पर चपट्टा मारा जो जटवी पत्थर बन गए। अच्छा, तो इस तरह के ये दर्शन है यहाँ पे। आप थोड़ा इधर से आके और थोड़ा अच्छी तरह से ये हमारे सभी दर्शकों को भगवान कृष्ण के समय के वो पाषाण आप देख सकते हैं। ये देखिए बनावट भी तो देखिए आप, वही राक्षसी जैसे राक्षस का शरीर नहीं होता उस टाइप से ये पाषाण का बना हुआ है। कुछ ये यहाँ पर टूटा हुआ है और कुछ यहाँ पर ये अवशेष बचा हुआ है। कहा जाता है कि ये चार थे जिसको दो एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था और दो यहाँ पर थे, वो दो गायब हो गए थे यहाँ से। अंग्रेज चुरा के ले गए रात में हेलीकॉप्टर में, अंग्रेज ले चारों ने ले जाते जट्टी पे गए, ये गिर गए। अच्छा, ये गिर गए और बाकी दो उनको ले गए। अब वो दो कहाँ पर हैं? दिल्ली एयरपोर्ट पे। दिल्ली एयरपोर्ट पे है वो? हाँ। तो वो अभी तक यहाँ नहीं आए? नहीं, यहाँ तो फिर दोबारा ले जाएंगे, अब नहीं आ रहे, इसलिए वहीं डर रखेंगे। तो जैसा कि बच्चे हैं जो बता रहे हैं हमको, और ऐसा हमने सुना भी था कि दो जो पत्थर हैं उनको दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है और वो यहाँ पर अभी आए नहीं आए, इनकी लीला क्या है वो जाने। लेकिन इस समय ये दो पाषाण जिसे हम हाव बिलाव के नाम से जानते हैं ये यहाँ पर स्थित है, बिल्कुल यशोदा कुंड के पास में। ये अद्भुत दर्शन आप कर रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से, कैसे भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ ये हाव बिलाव जिसे आज संसार में हवा के नाम से जानते हैं। आप जब भी कभी बच्चे को अपने को डराते होंगे तो बोलते होंगे हवा आ जाएगा तो चुप है जा, ऐसी मैया। फिर जब ये पत्थर के बन गए तब मैया डरावे कि लाला तू ज़्यादा उदम मत करे नहीं तो हाव बिलाव आ जाएंगे। तो ये बासल्य प्रेम भरी ये लीलाएँ आप जो दर्शन कर रहे हैं इस समय ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। तो जैसा कि ये बच्चे मेरे साथ में हैं, लीला मेरे समक्ष है, तो हम इन्हीं से पूछेंगे आपकी मैया भी आपको ऐसे डरावेगा हुआ जाएगा बचपन में? हाँ हाँ डराती है। डरावे ना? हाँ। कैसे क्या भाई? लाला दूर खेलने मत जाइयो हुआ आ जाएगा, तुझको खा जाएगा। ये बात सत्य है, हम अपनी बताएं, हमारी माँ भी हमसे कहती थी आप ज़्यादा दूर मत जाइयो नहीं तो हम हुआ आ जाएगा या ऐसे कुछ डरा भाई मैया में। तो वही वात्सल्य भाव आज यहाँ पर हम दर्शन कर रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। तो आज हमने जो दर्शन किए, पहला दर्शन हमने यशोदा कुंड का किया, दूसरा दर्शन उन सिद्ध गुफाओं के किए जहाँ पर भगवत प्राप्त संत साधना करते हैं, और तीसरा दर्शन हमने आपको इस हावलाव का दर्शन कराया जो कि नंदगांव में। आज के हमारे ये तीनों दर्शन आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। तो हाव बिलाव से नंदगांव से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।